सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ड्राइंग वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि हम नेरेबल इरेजर का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो वो इरेजर हमारा क्लीन टाइप आता है, जिसको हम कोई से भी डायरेक्शन में फोल्ड करके उसको इरेज कर सकते हैं और वो डस्ट भी नहीं छोड़ता। तो अभी आप लोग देखिए कि हम उसको कैसे हमारे पोर्ट्रेट में यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक पेज लिया है जो कि, और इसके अंदर मेरे पास ये नीडेबल इरेजर है। तो इसके मैंने दो टुकड़े करके रखे हैं, क्योंकि एक टुकड़े को मैं यूज़ करता हूँ तो वो बहुत ज़्यादा ब्लैक हो चुका है, और दूसरे टुकड़े को मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता तो वो अभी उतना ब्लैक नहीं हुआ है, क्योंकि उस टुकड़े ने हमारी पेंसिल के सारे ग्रेफाइट को अपने अंदर सोख लिया है। तो यही होता है हमारी ग्रेफाइट पेंसिल के शेडिंग को इरेज करने में। इसी से हम हमारे नीडेबल इरेजर को कैसे यूज़ कर सकते हैं आज की वीडियो में आप लोग जानेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको हम कोई सी भी डायरेक्शन में तोड़ के फोल्ड कर सकते हैं और कोई से भी शेप में इसको इरेज कर सकते हैं, तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। यही है हमारे नीडेबल इरेजर की खासियत। और एक और इसकी खासियत है कि ये सारा अपना ग्रेफाइट अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। जो भी आपको नहीं चाहिए ग्रेफाइट, वो आप इसके अंदर ऑब्जर्व कर सकते हो, जो कि आपको बोलने से नहीं पता चलेगा। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, तो अगर आपको नहीं पता चलेगा, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको। तो यहाँ पे पहले मैंने 2B पेंसिल का यूज़ करके यहाँ पे पहले शेडिंग कर लिया है, देन उसी को डार्क कर लिया है हमने 4B पेंसिल का यूज़ करके, देन पेपर स्टम्प का यूज़ किया। और इसके बाद अभी मैं यहाँ पे नीडेबल इरेजर को एक पर्टिकुलर शेप में फोल्ड करके उसको यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रिजल्ट्स, और ये बिल्कुल भी डस्ट नहीं छोड़ता गाइस, क्योंकि ये डस्ट फ्री होता है। ये अपने सारे चारकोल और ग्रेफाइट को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, मेरा मतलब ये कहीं पर भी हमें डस्ट नहीं छोड़ेगा। तो यही इसकी खासियत है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, मैंने इसको इतना ज़्यादा इरेज कर लिया, फिर भी इसकी हल्की फुल्की भी डस्ट नहीं निकली है। इसने सारा ग्रेफाइट और चारकोल अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया है, और यहाँ पे हमारी शेडिंग भी लाइट हो चुकी है। तो ये फेस में ज़्यादातर तो यूज़ होता है, जहाँ पर हमें डार्क शेडिंग हो गई हो तो उसके ऊपर हम इसको रब करते हैं तो ये लाइट हो जाती है वो शेडिंग। और देन हमने फिर से यहाँ पे 2B के साथ शेडिंग किया, देन ब्लाइंडिंग किया पेपर स्टम्प से। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये नॉर्मल इरेजर जो होते हैं उनकी वजह से कैसे यहाँ पे डस्ट होती है। तो यहाँ पे मेरे पास ये नॉर्मल इरेजर है, पहले तो हम इसका यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये इरेज तो कर ले रहा है अच्छे से, लेकिन इसके अंदर जो डस्ट है वो नहीं रह रही है। तो ये डस्ट का ही हमें सॉल्यूशन निकालते हैं हम इससे, तो ये डस्ट ही हमें प्रॉब्लम देती है। तो इसीलिए हम नीडेबल इरेजर का यूज़ करते हैं। और नीडेबल इरेजर की और भी बहुत ज़्यादा खासियत है, ये हाइलाइट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो ये मैकेनिकल इरेजर जो है वो भी बहुत ज़्यादा डस्ट ऑब्जर्व कर रहा है। यहाँ पे इरेज तो कर ले रहा है, लेकिन ये भी डस्ट बहुत ज़्यादा निकाल रहा है। और यहाँ पे ये आप लोग देख पा रहे हो नीडेबल इरेजर बिल्कुल भी डस्ट नहीं निकालता है। तो एक और बार मैं आपको शेडिंग करके दिखा देता हूँ। तो इसके कंपैरिजन में आप ये देखिए कि नीडेबल इरेजर से कैसे हाईलाइट और शेडिंग हो रही है। तो यहाँ पे अभी देखिए आप, मैं इसको ज़्यादातर चढ़ा नहीं रहा हूँ, फिर भी यहाँ पे और इसको मैंने इसके ऊपर रब किया, फिर आप लोग देखिए इसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे आए हैं। और आज की वीडियो में इतना ही था। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी वो आप हमें कमेंट में बता सकते हो। और मैं आज के ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल लाता रहता हूँ, तो इसकी वजह से आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं एक और न्यू ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक केयर।